Thank you so much, Alo News Today. उनके हम लोग का यहाँ में जो ये 60 डेज ये महीना और आने वाला महीना में हम लोग का एक तबेको फ्री यूथ कैंपेन अभी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इसमें हम लोग क्यों इतना ज़ोरदार लगा हुआ है, इसका जो मीनिंग है कि हम लोग का वेस्ट सियांग में काफ़ी लोग इसी तबेको में जुड़ा हुआ है। ये तबेको से कितना हार्मफुल इफेक्ट होता है इसको हम लोग का आदमी लोग इतना अभी तक रियलाइज नहीं कर रहा है। ये तिरंगा है, तामुल है, पान है, उसका बाद बीड़ी है, सिगरेट है, ये सब तबेको का अंदर आता है। इसको लेने से हम लोग का हेल्थ में कितना हानिकारी होता है इसको हम लोग सबसे पहले जानना है। और आदत हो गया, अभी नहीं छोड़ सकता है, बहुत लोग ऐसे बोलता है, लेकिन ये आराम से छोड़ सकता है। हमने देखा है बहुत लोग एक ही दिन में नहीं, आज से हमने नहीं खाएगा बोल के छोड़ने वाला भी होता है। तो हम लोग का युवत लोग ऐसे तवे को खाएगा और अपना घर में भी गंदगी थुक के पूरा वॉल में थूक देता है, हम लोग का हॉस्पिटल में थूकता है, स्कूल में थूक देता है, बहुत इतना नया नया पेंट को भी ख़राब कर देता है। ये भी बहुत हम लोग का जगह को बहुत गंदगी फैलाता है। साथ में अपना बीमार, इससे काफ़ी बीमार हो रहा है अभी हम लोग का। अरुणाचल वन ऑफ द हाईएस्ट कैंसर स्टेट बन गया है अभी एज पर अभी का लेटेस्ट सेंसस में। तो इसमें देखा गया है तो बहुत लोग का ये तवे को रिलेटेड कैंसर ही होता है। थ्रोट कैंसर है, टांग कैंसर है, स्टोमक कैंसर है, इस तरह इसी धूम्रपान करने का तवे को खाने का वजह से ये कैंसर हो रहा है। तो वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, पपुम्परे, उसके बाद लोअर सियांग, ये हाईएस्ट में आता है। अभी फिलहाल मोर देन 3000 लोग कैंसर दवाई खा रहा है या कीमोथेरेपी ले रहा है। ये देखिए इतना कम पॉपुलेशन में 3-4000 कैंसर बीमार होना मतलब कोई ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है। इसलिए हम लोग तवेको को बिल्कुल छोड़ना है। मैं यूथ लोग को स्पेशली ये सावधान रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए हम लोग। ये 60 देश में हम लोग स्कूल में जाके तवेको फ्री कैंपेन कर रहा है। इसमें स्कूल का सामने में जो दुकान है वो लोग भी तवेको बिल्कुल नहीं रखना है, अगर रखता भी है वो बाद में हम लोग उसको फाइन लेगा या उसका लाइसेंस को कैंसिल करेगा। ये तवेको लेते लेते अल्टीमेटली क्या होता है, दोस्त बनता है, उसी दोस्त का साथ अल्टीमेटली वो ड्रग में चला जाता है। अपन ये हुस्की बियर में जाता है, उसका बाद ड्रग में ही चला जाता है। अभी आलों में हम लोग का यहाँ पे ड्रग यूजर जो है, सिरिंज यूजर जो बेजी मारने वाला, अपना में बेजी दोस्त का साथ बेजी मारता है, अपना से भी मारता है, ऐसे वाला मोर देन 480 आदमी आलो टाउन में है। ये लोग सिरिंज ले जाता है, ले जाके ये अपना को ये हीरोइन जो ड्रग जो ख़राब ड्रग है उसको यूज़ कर रहा है। इसमें लड़की भी बहुत है, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा लोग भी बहुत है। साथ में हेपेटाइटिस, ये लोग जितना भी ड्रग यूज़र है जो सिरिंज यूज़ कर रहा है, ये लोग के पास हेपेटाइटिस बीमार बहुत खराब से फैल रहा है। मोर देन 480 आदमी लोग का ये यहाँ पे उस दिन टेस्ट किया तो मिला है, और लड़की में भी अराउंड 20 तो जैसे हेपेटाइटिस वाला यहाँ में है। ये दवाई भी बहुत कॉस्टली है, हम लोग का मादर बीजन के
थ्रो ये लोग को ट्रीटमेंट फ्री में दिलवा रहा है, लेकिन ये ट्रीटमेंट भी बहुत, एक ट्रीटमेंट में 30,000 ऐसे कुछ जाता है, गवर्नमेंट से दे रहा है। जब गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा खरीदना भी पड़ेगा, और ये अल्टीमेटली होते होते ये जो हेपेटाइटिस बीमार जो है अल्टीमेटली बाद में कैंसर बन जाता है। इसलिए हम लोग का अभी का माँ पिता जो लोग भी अपना बच्चा को केयर करना है, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमेशा उसको ख्याल करना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे बढ़ेगा और आगे उसका अगला जो जीवन है जीना है वो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बच्चा कहाँ जाता है क्या करता है हमेशा हम लोग अपना फैमिली से हम लोग शुरू करना है, देखना पड़ेगा। वो उसको ख्याल नहीं करेगा तो अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो बहुत भयानक होने वाला है। इसलिए मैं आज आप लोग से सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपना बच्चा को ये सब ये ड्रग या तवे को यूज़ करना मत दीजिए, इससे हम लोग का कैंसर ज़्यादा फैल रहा है, इसको रुकाना भी पड़ेगा। साथ साथ ये अभी ये सीज़न जो है ये समर सीज़न में है, इसमें नेचुरल क्लाइमेटिस लाइक ये ज़्यादा लैंडस्लाइड होगा या पानी बहुत फ्लड होगा या ड्रेन ट्रेन ब्लॉक होके आपका घर में गंदगी फैला देगा, ज़्यादा बारिश होने से यहाँ में बीमार डायरिया डिसेंट्री टाइफॉइड डेंगी ये सब बीमार भी बहुत ज़्यादा फैलता है। इसलिए अपना आंगन को ठीक से सफा रखना है, साथ में हम लोग का अपना बच्चा को नदी उदी जाने के लिए भी मना करना है, एंड जो लैंडस्लाइड जो रास्ता में जो बाहर निकलता है हमेशा हम लोग केयरफुल रहना है। ये सीज़न बहुत ख़राब सीज़न है, नेचुरल क्लाइमेटिस ख़राब होने का चांसेस इस बार अभी तो ये ज़्यादा होता है इसी टाइम में, तो इसलिए हम लोग इससे सब बच के रहना चाहिए। हम लोग का यहाँ में जो आदमी लोग बहुत केयरलेस है, अपना घर का जो डस्टबिन को प्लास्टिक में लेके दूसरा का घर का नाला में फेंक देता है, दूसरा का घर का बाहर में फेंक देता है, ये सब देखने से हम लोग अभी तो बहुत अनसिविलाइज वे में जी रहा है। इस तरह हम लोग टाउन को भी सफा रखना है, टाउन में बोतल नहीं फेंकना है। हम लोग शिलोंग दिल्ली जाके देखो, आप गुवाहाटी जाके देखो, या अच्छा से बड़ा बड़ा टाउन बेंगलोर जाके देखो, एक बोतल पानी पी के रास्ते में नहीं फेंकता है। वेरेज हम लोग का आदमी लोग ये पानी अभी भी पानी का बोतल जहाँ था फेंक देता है, अभी भी प्लास्टिक यूज मत करो बोलता है, उसको भी प्लास्टिक को अभी भी प्लास्टिक ही डिमांड करता है। इस तरह हम लोग का अपना वातावरण जो है पूरा पोल्यूशन पोल्यूट करके रखा हुआ है, इसको अभी से हम लोग सीरियसली सोचना है, अपना आंगन को हमेशा सफा रखना है। अभी ये समर सीजन में बीमार हजार नहीं होने के लिए हम लोग सब मिल के सही ढंग से खाना पीना को साफ करके खाना है, सलाद उलाद खाता है, इसमें भी ठीक से सफाई नहीं करने से इससे टाइफॉइड डायरिया डिसेंट्री भी फैलता है। जितना भी सलाद है कच्चा चीज़ खाता है उसको हम लोग ठीक से धुला के खाना है, एंड वस्त माने ये सही हाथ को भी सही ढंग से धुला के हम लोग खाना वाना जो भी खाता है इसको खाना चाहिए। इस तरह रहने से हम लोग बीमार से फ्री रहेगा। आप बीमार से अगर फ्री रहेगा तो आपका जो भी पॉकेट में पैसा है आप जो भी कमाता है उसको दूसरा काम में हम लोग यूज़ करेगा, उसको हम लोग अपना घर में कुछ अच्छा सामान कुकार लेके आएगा या जो कोई बच्चा का जूता चप्पल लेके आएगा या अच्छा कपड़ा खरीदेगा। आप लोग बीमार होते रहेगा तो ये सब अपना जो आप जो भी कमाता है उसको आप लोग मेडिकल में ही आप दवा खरीदने में ही आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए दवा नहीं खरीदने के लिए अपना हेल्थ को बनाए रखिए। हम लोग सब मिलके अपना देश को अपना टाउन को सफा रखेगा, अपना हेल्थ को अच्छा रखेगा, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, दौड़िए, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, ऐसा करके अपना हेल्थ को अच्छे से रखिए। इस तरह हम लोग अपना बच्चा को भी ख्याल कीजिए, बच्चा को शाम को घूमने मत दीजिए, आजकल ड्रग एब्यूज़ ज़्यादा है, इनसे हम बच के रहना है। थैंक यू सो मच।